देखिए बॉलीवुड में स्टार्स और उनके बच्चे हमेशा ही लाइमलाइट में रहे हैं, लेकिन पहले का जमाना ऐसा था कि हम उनको देख नहीं पाते थे, उनकी हरकतें नोट नहीं कर पाते थे। अब सोशल मीडिया के कारण आपके पास हर किसी की खबरें रहती हैं, तो मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जहाँ हम बात करेंगे कि रितेश देशमुख के बच्चे वहीं पर करीना और सैफ अली खान के बच्चों में कितना बड़ा अंतर है। देखिये रिहान और रियाल दो बच्चे हैं रितेश देशमुख के, आपने इनको बहुत बार टिकटॉक के जरिए भी देख लिया होगा जेनेलिया और रितेश के साथ। अब ये बच्चे कभी भी एयरपोर्ट पे जाएं आए आप इनके हाथ जुड़े हुए देखेंगे, राम राम काका, नमस्ते काका, और भाई पता नहीं किस तरीके से यार ट्रेन किया है, बच्चे भीड़ देखते के साथ हाथ जोड़ लेते हैं और नमस्कार करने लग जाते हैं। अब भाई चाहे वो रितेश देशमुख घर पे एक घंटा बैठ के उनको समझाएं या पाँच घंटा, बाहर रिजल्ट बहुत प्यारा है। मीडिया के जितने भी लोग हैं बहुत प्यार करते हैं रितेश के दोनों बच्चों से, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैबिट, काका राम राम, काका नमस्कार। वहीं पर अगर बात की जाए तैमूर की, इब्राहिम की, और छोटे साहबजादे जहांगीर, तो अभी बहुत ज़्यादा छोटे, वो तो मीडिया से ढंग से इंटरेक्ट करने लगे नहीं है, तो भैया वहाँ पर तुम एरोगेंस देखोगे बहुत ज़्यादा। इवन युग मतलब सन ऑफ अजय देवगन एंड काजोल, वो भी भाई मीडिया से तू तड़ाक के बाद या क्यों आए हो, मान जाओ ना, चले जाओ ना, नॉट अलाउड, भागो यहाँ से। एंड हियर जस्ट वी गेट टू नो कि भाई परवरिश कितना बड़ा फर्क डालती है। रितेश देशमुख चाहे अजय देवगन से छोटे स्टार हों, चाहे सैफ अली खान जितनी हिट फिल्में नहीं दी हों, लेकिन परवरिश के मामले में वो इन दोनों से बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द, 100 के होने ही वाले हैं, बस हो गए, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मिलता हूँ जल्द, बाय बाय, नमस्कार।